केंद्र सरकार और राज्य सरकारें किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और आमदनी में इजाफा करने के लिए कई योजनाएं शुरू करती रहती है ताकि किसानों को फायदा मिल सके। उन्हीं में से एक योजना है मुख्यमंत्री किसान योजना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाल ही में ये योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आपको कुछ ऑप्शन देते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उड़ीसा। सोचिए सोचिए, क्या लगता है आपको हाल ही में मुख्यमंत्री किसान योजना किस राज्य में शुरू हुई है? चलिए हम ही आपको बता देते हैं, इसका सही जवाब है उड़ीसा। अब जानते हैं इस खबर से जुड़ी सारी जानकारी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने 8 अक्टूबर को संबलपुर जिले में मुख्यमंत्री किसान योजना की शुरुआत की है। खरीफ फसल की कटाई के त्यौहार नुआखाई के अवसर पर शुरू की गई योजना के तहत करीब 40 लाख किसानों को कुल 925 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के तहत सरकार नुआखाई और अक्षय तृतीया के दिन दो किस्तों में लगभग 40 लाख छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 4000 रुपए की सहायता प्रदान करेगी। सीएम किसान योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जो उड़ीसा के स्थानीय किसान हैं और खेतिहार मजदूर हैं या फिर लीज पर जमीन लेकर खेती करते हैं। इसके अलावा इस योजना का लाभ उन भूमिहीन किसानों को भी मिलेगा जो पीएम किसान योजना से बाहर रह गए थे। सीएम किसान योजना के तहत प्रत्येक किसान पात्र को दो किस्तों में 4000 रुपए की वार्षिक राशि मिलेगी जबकि भूमिहीन किसानों को तीन किस्तों में 12500 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि योजना में शामिल होने के लिए उन्हें सीएम किसान शिकायत पोर्टल के माध्यम से आवेदन कराना होगा। बता दें कि उड़ीसा में सीएम किसान का आवेदन अगले दो महीनों तक जारी रहेगा। इसके अलावा उड़ीसा सरकार जल्द ही उड़ीसा में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी बलभद्र योजना की शुरुआत करेगी। अब आपको बताते हैं कि नुआखाई त्यौहार क्या है। नुआखाई त्यौहार उड़ीसा में बड़े पैमाने पर मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। इस त्यौहार में खरीफ सीजन की पहली फसल के आने का जश्न मनाया जाता है। उसी फसल से पकवान बनाए जाते हैं और खाए भी जाते हैं। ये त्यौहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाया जाता है। उड़ीसा के अलावा ये त्यौहार दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। यह एक प्रमुख कृषि त्यौहार है और उड़ीसा का प्रमुख सांस्कृतिक त्यौहार भी माना जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।